सभी भाइयों को राम राम जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की एक और शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं राज डेयरी फार्म से। आप देख पाएंगे फुल खचाखच भरा है जो साहीवाल नस्ल की जो गाय हैं, बिल्कुल बहुत ही कम जो इनकी प्रजाति आपको देखने को मिलेगी एक जगह पर। इतनी सारी साहीवाल नस्ल की गायें प्योर क्वालिटी में, और हरियाणा थार पारकर ये देसी नस्ल की गायें भी है और एक क्रॉस की गायें भी है। तो भाई साहब से पूछेंगे इनके बारे में कहाँ पे जा रही है। तो सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। तो आज ये गायें कहाँ पे जा रही है भाई साहब? ये योगेश भाई कुछ तो पुणा जाएगी। अच्छा, एक दो गायें दिल्ली जाएंगी, एक फरीदाबाद जाएगी, एक गाय और एक बच्ची जाएगी गुरदासपुर पंजाब में। गुरदासपुर पंजाब में कुछ जा रही है, पुणा महाराष्ट्र में। और दो गायें हैं इसमें आगे की खरीद शुरू कर रखी है बेलगांव की। दो गायें जाएगी कर्नाटक बेलगांव में। तो पूना में कौन कौन सी जगह देते हो भाई साहब? पूना में एक ही जगह पे जाती है वैसे तो अपनी गायें, पूना से थोड़ा सा पहले मौसी सिटी है ये। अच्छा अच्छा। उधर जाती है जो दाएं बाएं के 100-150 किलोमीटर दूर के है ना गायें, बुक करके उधर से लेके जाती है। अच्छा अच्छा। पूना के आसपास 100-200-300 किलोमीटर का एरिया हो तो वहाँ से ले लेते हैं भाई साहब, जाते हैं। और कोई इधर औरंगाबाद साइड नासिक है, ये इधर जलगांव की साइड जाता है ना, तो मालेगांव में जो लास्ट स्टॉपेज होता है ना, हाँ हाँ, उधर से गायें लोड करवा देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो प्रॉपर आपका जो काम है जो साहीवाल नस्ल की गायों का महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है? हाँ, महाराष्ट्र में ही ज्यादा जाती है। अच्छा अच्छा। और जो दूध पीने वाला दाएं बाएं का है उसको भी दे देते हैं। तो इनमें लगभग प्रेग्नेंट गायें ज्यादा है, कुछ बच्चा दी हुई भी है, पूछेंगे क्या डिटेल है सभी गायों की। तो इधर से स्टार्ट कर ले। हाँ, इधर से स्टार्ट कर लो। तो इसके बारे में बताएं। ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। 5 महीने की गाभिन है। 60,000 रुपए की दी है। 60,000 रुपए की दी है। हाँ। 60,000 की इधर दी है या आगे पहुंच दी है? पहुंच दी है आगे, जिसमें 15,000 रुपए खर्चा भी है। खर्चा भी है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग का हो गया। हाँ, हाँ। जो लेबर का 10 गायें जाती है तो 15 से थोड़ा सा कम पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। कम जाती है तो लगभग 15,000 रुपए खर्चा पड़ता। डॉक्यूमेंट भी जाते हैं साथ में तो मिला जुला के, गाय पे 2,250 रुपए ये भी खर्चा है हर गाय का कागज। अच्छा, 14-15,000 रुपए खर्चा पड़ जाता है गाय पे, इतना तो पड़ जाता है। अच्छा। और अगली गाय ये कितने की दी है? ये 17,000 रुपए की दी है, दूसरी बार बच्चा देगी ये। अच्छा। फर्स्ट बार में 12-13 लीटर दूध दिया, इसने अब की बार 14 लीटर दूध निकाल देगी। 14 लीटर मिल्क कप पे डिलीवरी दी अगले के घर पे। कितने की दी है? 70,000 रुपए। 70,000 की दी है। मानो आप 54-55,000 रुपए की इधर मिली है गाय। देखो प्योर जो साहीवाल नस्ल की गाय है, आगे गलपक कम्बल देख सकते हैं, नीचे नाभ भी, और बहुत बढ़िया गाय है। कर्नाटक में गोकाक जाएगी। गोकाक, ये कितने रुपए की दी है? 54,000 रुपए की दी है इधर। 54,000 रुपए की प्योर साहीवाल नस्ल की गाय है जी। ये देखो कोई मिक्स ब्रीड नहीं है। देखो बहुत ही कम ऐसी ऐसी गायें एक जगह पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आज की जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं फुल खचाखच भरा है जी फार्म। प्योर जो अपनी देसी नस्ल की गाय है, जिसमें साहीवाल, हरियाणा थार पारकर ये गायें हैं सभी, किसी भी कोई क्रॉस ब्रीड नहीं है ये। इससे आगे वाली भाई साहब, ये दूसरी बार की बच्ची है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 7 महीने की गाबिन है, दूसरे ब्यांत की है। हाँ। और कितना? 73,000 रुपए की दी है पूना में। 73,000 रुपए की पहुंच दी है जी पूना में। दी है खर्चा पानी सब लगा के। अच्छा अच्छा। और इससे आगे वाली? ये गोकाक जाएगी। गोकाक। अच्छा। ये दी है 58,000 रुपए की इधर। 58,000 रुपए की दी है। ये कितने दिन में भी आएगी? ये 1 महीना बाकी है इसका। 1 महीना इसका बाकी है अभी बच्चा देने का। देख सकते हैं जो ऑर्डर है थोड़ा छोड़ने लगी है गाय। नीचे का जो सिस्टम दिखा रहे हैं आपको बहुत बढ़िया बन के आ रही है। जो देखे ध्यान से देखे जी, आज की वीडियो प्योर साहीवाल नस्ल की गाय है, मेन बात ये है। और इससे आगे वाली 65,000 रुपए की दी है। 65,000 रुपए की औरंगाबाद में। औरंगाबाद में ये महाराष्ट्र में ना? हाँ, महाराष्ट्र में जाएगी ये, मालेगांव से जाएगी। मालेगांव से जाएगी। और इससे आगे वाली? ये सेकंड बार बच्चा देगी, 8 महीने की गाभिन है ये, 65,000 रुपए की पहुंच दी है। ये 65,000 रुपए की दी है, बहुत ज्यादा वजन है। देखें जी कितना दूध दे देगी भाई साहब ये गाय? 15 किलो दे देगी योगेश भाई। 15 किलो दूध दे देगी, पूरी लंबाई ऊंचाई की गाय है। और ये गाय? ये अभी 13 लीटर दूध तैयार है, इसमें 3-4 दिन की ब्याई है, 15 लीटर दूध दे देगी, सेकंड लैक्टेशन में है। अच्छा, साथ में क्या है? साथ में बच्चिया है, फीमेल काफ है। और 65,000 रुपए की दी है। 65,000 रुपए की दी है। 13 लीटर दूध अभी तैयार है मौके पे, 15 लीटर जो मिल्क कैपेसिटी है। ये देखें जी प्योर साहीवाल, ये देखें जी, और ये देखें जी ऊपर आप ये देख सकते हैं जो हम्प साइज है, नीचे आप नाभी देख सकते हैं, और गल कंबल बहुत बढ़िया है। और एक ये बहुत सुंदर बछड़ी प्योर साहीवाल नस्ल की, इसके बारे में बताएं भाई साहब। योगेश भाई, एक ये बच्चिया और वो 3 नंबर पे गाय खड़ी है वो। अच्छा अच्छा। पंजाब में जाएगी गुरदासपुर। गुरदासपुर पंजाब में जा रही है प्योर साहीवाल नस्ल। हाँ। की बच्चिया देखें जी, कंपटीशन लेवल की बच्चिया,
अगर ये जिस टाइम पे बच्चा देगी उस टाइम पे इसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं है जी इस बछड़ी का। ये देखें जी, और कितनी सुंदर लग रही है सारी गायें, ये देखें जी बहुत बढ़िया। और इसके बारे में बताएं भाई साहब, ये बाल्टी पड़ी है, दूध ही निकाला अभी। अच्छा, 15 लीटर दूध तैयार है, 75,000 रुपए की दी है, दिल्ली जाएगी, दिल्ली जाएगी। 15 लीटर दूध, अभी दूध निकल चुका है, फिर भी आप जो ऑर्डर है वो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। कितने की दी है ये? 75,000 रुपए की, 75,000 रुपए की दी है, ये देखें जी। और ये वाली 65,000 रुपए की दी है, एक ही मालिक को जाएगी ये दोनों, इसका भी दूध निकल गया, एक नंबर और दो नंबर दोनों एक मालिक के जाएंगे, मालिक को जाएगी दिल्ली में। ये कितने की दी है? ये 65,000 रुपए की दी है, 65,000 रुपए की दी है। कितना दूध निकाल देगी ये? दूध निकाल देगी ये 14 लीटर, 14 लीटर दूध निकाल देगी, 65,000 निकल गया इसका दूध, दोनों का निकल गया है, खड़ी अभी लोड होगी ये दोनों। अच्छा, ये गाड़ी लग रही है भाई सामने, इसमें अभी लोड होगी। और ये वाली? ये वाली वही है जो पंजाब जाएगी। अच्छा अच्छा, पंजाब जा रही है, अच्छा अच्छा, चलो। और ये वाली भाई साहब की दी है दूसरे ब्यांत की, अभी 10 लीटर दूध है इसको, ये पूना जाएगी, ये पूना जाएगी 50,000 रुपए की। कितना दूध निकाल देगी भाई साहब ये? निकाल देगी 13 किलो, 13 किलो दूध निकाल देगी। और ये? ये 65,000 रुपए की दी है, सेकंड लैक्टेशन की है, 8 महीने की प्रेगनेंट है, 8 महीने की गाभिन। ये देखे जी बहुत बढ़िया, नीचे का देखे, बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये भी पूना में 65,000 रुपए की दी है, क्रॉस की है, ये क्रॉस की है, 17-18 लीटर दूध निकाल देगी, 17-18 किलो दी है ये। अच्छा, घर पे पहुंच दिए 65,000 रुपए की, इधर 50-52,000 रुपए की मानो आप। हाँ। ये देखें जी, बहुत शानदार गायें हैं, 15-16 लीटर दूध आराम से निकालेगी। ये देखें जी ऑर्डर देखें, बहुत ज्यादा बढ़िया ऑर्डर बना के आएगी। कितना दिन बाकी इसका? 1 महीना बाकी, 1 महीना बाकी है। और ये सफेद रंग की? ये सफेद रंग की पिछले लोड में मैंने गाय दी थी। अच्छा अच्छा, तो गाय ने रस्ते में बच्चा गिरा दिया था। अच्छा, किसी कारणवश। हाँ हाँ, जैसे 7-8 महीने की गाभिन गाय होती है तो हो जाती है, इतनी गायों में एकाधिक हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो उसको बदल के दी है ये गाय, बदल के दी है ये गाय। तो देखें भाई साहब, ये बहुत बढ़िया काम है, गाय पूरी अपनी पूरी गारंटी के साथ बेचते हैं। कल ने और भाई भी अपनी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भाई में किसी भी चीज में आपको गाय में दिक्कत लगे तो आप दूसरी गायें ले सकते हैं। तो ये कितने की दी है अभी? अभी किराया किराया लिया इसका, सिर्फ किराया किराए में दी है, जो भी भाड़ा लगेगा पूना तक का। ये देखें जी, बहुत शानदार गायें हैं। अगर इस गाय की कीमत माने तो कितनी है जी आज के दिन? कीमत माने तो लगभग ये 60,000 रुपए की पहुंच की रहेगी, 60,000 रुपए की। ऐसी गायें फ्री में दे रहे हैं ये, मानो आप दे रही है 6 लीटर, ये बछड़ी साथ में है, और ये बछड़ी साथ में है, 5 महीने की प्रेगनेंट है, 5 महीने की गाभिन है, अभी दूध दे रही है। ये देखिए, तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब तक धंधा करेंगे ना, अच्छा अच्छा, जब तक कोई भी शिकायत आएगी अपनी पूरी गारंटी रहेगी, तभी काम चलेगा भाई साहब। एक दिन का काम तो है नहीं, दे दिया बाद में फोन ना उठाए। गारंटी इस चीज की है योगेश भाई, अगर उधर जाके मैं 15 लीटर दूध बोलता हूँ और 5-6 लीटर दूध देती है, नहीं नहीं लीटर, 2 लीटर तो देंगे, लीटर 15 वाली 13 देती है, 12 देती है, कोई बड़ी बात नहीं, एक बार खाना पीना भी सूट नहीं होता। नहीं नहीं, 15 लीटर वाली अगर 2-4 लीटर दे तो क्या फायदा जी, तो गाय बदल के देंगे, 12 लीटर 13 लीटर दे तो चलेगा। जैसे गाय 100 की 100 भेजी है, हाँ हाँ, उसके आंचल में कोई डिफेक्ट है किसी प्रकार का आगे जाके, हाँ हाँ, हम दूध निकलवा देते हैं उसी दिन। अच्छा अच्छा, तो हम गाय बदल के देंगे उसकी, चलो रास्ते में कोई तकलीफ होती है तो गाय बदल के। अच्छा अच्छा, चलो। रस्ते कितना दिन लगता है भाई साहब? रस्ते का 5 या 6 दिन लगता है, 5-6 दिन लगता है, साथ में बंदे भेजते होंगे अपने, कभी दो कभी एक आदमी साथ में जाता है गाड़ी में, पूरी गारंटी के साथ भेजते हैं। देखो जी, तो ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी जी, कमेंट में आप जरूर बताएं। इसी तरह की आप गाय लेने के लिए पूना में कितना भी एरिया हो भाई, पूना के आसपास 100-200-400 किलोमीटर का, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लगातार नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं जी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की गायें लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं जी राज डेयरी फार्म पे, जो अपना एड्रेस गांव मिंगनी खेड़ा में है जी, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में। तो कैसी लगी? ठीक है जी, थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सभी को राम राम, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।